रीवा के रहने वाले मोहनलाल द्विवेदी मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बन गए हैं। वे पूरे 48 सालों से जाग रहे हैं। बात तो चौंकाने वाली है कि भला कोई 48 सालों तक सोए बिना कैसे जीवित रह सकता है। बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ये सच्चाई है। खास बात यह है कि मोहनलाल को मारने और चमड़ी खींचने पर भी दर्द नहीं होता। रिटायर्ड जॉइंट कलेक्टर 71 वर्षीय मोहनलाल द्विवेदी ने मेडिकल साइंस को पूरी तरह से मात दे दी है। मेडिकल साइंस कहता है कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए दिन के 24 घंटे के दरमियान 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही आवश्यक है, जबकि मोहनलाल द्विवेदी ने एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने नहीं बल्कि 48 सालों में एक पल के लिए भी नींद नहीं ली। ये बात सुनकर हर कोई हैरान और चकित है कि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मोहनलाल ने दावा किया है कि वह पिछले 48 सालों से बिल्कुल भी नहीं सोए, इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और वह पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और उनकी भी दिनचर्या आम इंसानों की तरह सामान्य है। वहीं देखा जाए तो मोहनलाल द्विवेदी की पत्नी नर्मदा द्विवेदी भी दिन के 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे ही नींद लेती है। मोहनलाल बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने ये समस्या किसी को नहीं बताई। वह पूरी रात जाग कर बिताते, लेकिन आंखों में न जलन होती और ना ही अन्य दैनिक क्रियाओं पर कोई फर्क पड़ता है। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी इस समस्या से घर के लोगों को अवगत कराया तो घर वालों ने पहले झाड़फूंक कराया। इसके बावजूद भी जब उन्हें आराम नहीं मिला तो परिजनों ने डॉक्टर को दिखाना मुनासिब समझा। दिल्ली मुंबई तक के डॉक्टरों को दिखाया गया, कई प्रकार की जाँच कराई गई, लेकिन उनकी इस अजीब बीमारी का कोई पता नहीं लग पाया। मोहनलाल की 1973 में लेक्चरर की नौकरी लग गई थी, जिसके कुछ दिन बाद ही जुलाई माह से उनकी नींद गायब हो गई। 1974 में MPPSC क्वालिफाई कर नायब तहसीलदार बने और 2001 में जॉइंट कलेक्टर बनने के बाद रिटायर हुए मोहनलाल को नींद ना आने के साथ ही उन्हें दर्द का भी एहसास नहीं होता। मोहनलाल अधिकांश समय किताबों को पढ़ने में व्यतीत करते हैं, देर रात तक छत पर टहलते रहते हैं। हालांकि मोहनलाल 48 सालों से नहीं सोए, इसका कोई साक्ष्य तो नहीं मिला, क्योंकि जो दवा उनकी चलती थी वो भी कई सालों पहले ही उन्होंने बंद कर दी थी। 73 से एज यूजुअल नहीं सो रहा, अचानक हमारी नींद गायब हो गई, तब से लगातार चल रही है। इसके पहले सोता था, क्या ना सोने से मेरे रहन सहन में, दिनचर्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। एक्सपर्ट को दिखाई, एक्सपर्ट नहीं बता पाए क्यों। दिखाया दिल्ली में भी, दिखाया बॉम्बे में भी गया था, वहाँ दिखाया, डॉक्टर टेस्ट नहीं कर पाए। चलो का हमारे शरीर में पेन नहीं होता। मैं नायब तहसीलदार था, डिप्टी कलेक्टर था, जॉइंट कलेक्टर था। उसके पहले भी कहीं, उसके पहले कॉलेज में लेकर रहा था, डिग्री कॉलेज में कैंसर में रहा है, रहाग में TRS कॉलेज में रहा। परिवार में और किसी को इस तरह की परेशानी जैसे? नहीं, किसी को नहीं। हाँ, परिवार मेरा जरूर कम सोता है। श्रीमती जी भी हमारे कम सोते हैं, बिटिया भी हमारे कम सोते हैं। कुछ नहीं, ना आँखों में जला, ना कोई परेशानी। ठीक चल रहा होगा, अब जैसे खाना पीना खाए आराम करेंगे, किताब उताब रहेगी वो पढ़ते रहेंगे, होगा। हालांकि मोहनलाल 48 सालों से नहीं सोए, इसका कोई साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन उनकी इस बात से मेडिकल साइंस भी हैरान है कि कैसे कोई शख्स 48 सालों से बिना सोए रह सकता है। फिलहाल ये डॉक्टर और साइंस के लिए शोध का विषय हो सकता है कि भला कोई 48 साल तक बिना सोए कैसे रह सकता है। रीवा से मनीष दहिया की रिपोर्ट।